अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज हम मैं लगी हुई हूँ ये सब है ना, सब की सब चूड़ियाँ वगैरह जो मेरे बैंगल्स हैं, इन सबको हम मुझे है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना है इस वाली साइड टेबल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो मैंने यहीं पर ही अपनी सब चीज़ें रख दी हैं कि एक साथ हो जाएंगी। और अलमीरा जो है हमें अपनी खाली करनी है, तो सबसे पहले मैंने इन्हीं को करा है। तो ये देखिए सेट हो गई हैं। तो इस तरीके से मैंने बॉक्सेस में ना अपने सारे कड़े और चूड़ियाँ रख दी हैं। जो टूट रही थी वो निकाल दी, जैसे थोड़ी रखे रखे चटक जाती हैं वैसे चटक रही थी वो निकाल दी हैं। और ऐसे देखिए कितना कूड़ा निकला है इसमें से। और जो ये बची थी इन सबको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और जो कि मुझे दिख जाएँ कि जब मुझे पहननी हो कि किस में कौन सी रखी हुई है, तो इसमें आसानी रहेगी और मुझे दिखेंगी। तो मैंने सब इस तरीके से सेट कर लिया है। और ये है हमारा दवाई का डब्बा, और ये नीचे जो रखा है दवाई के डब्बे के नीचे, तो ये वो है क्या कहते हैं उसको, इसमें मेरे हस्बैंड के ना चार्जर और लीड्स वगैरह रखी हुई हैं, और जो भी तार हैं जो बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद मैंने बनाया हलवा। तो हलवा ये बन रहा है अपना, ये थोड़ी सी भूख सी लगने लगी थी और अभी खाना तो बना नहीं था, तो इसलिए मैंने जल्दी से ना हलवा बना लिया था, और अभी टाइम भी नहीं हुआ है खाने का। और ये रहा हमारा हलवा। तो इसे मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा खोपरा रखा हुआ था वो डाल दिया है। तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ इसे खाऊंगी। तो अब ये थोड़ी, मुझसे तो वैसे ज़्यादा मीठी चीज़ खाई नहीं जाती, मैं दांतों में लग जाती है क्योंकि मैं दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को ही दे दिया था। तो उन्होंने थोड़ा सा खाया था, थोड़ा बच गया था, थोड़ा एक दो चम्मच मैंने भी खाया था। तो सूजी का हलवा मेरे हस्बैंड को है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि रवे का जो भी हलवा होता है ये वाला, इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये अक्सर बना लेती हूँ, वैसे ज़्यादा तो नहीं बनाती, इस वक्त सूजी घर में रखी हुई है ना, इस वजह से ज़्यादा बन रहा है, वरना मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। अब तो ये भी कम कर दिया है इन्होंने। और ये देखिए, ये रही हमारी अलमारी जो है टूट गई। तो इस अलमारी को अंदर मैंने देखिए कपड़े भी निकाल दिए हैं, और जो सामान था मेरे हस्बैंड ने बोला सब निकाल दो, बस इसमें जानमाज रखी हुई है अब इसे भी निकाल लूँगी, और कालीन रखा हुआ है, और इस तरफ भी थोड़ा सा सामान रखा है। देखिए ये भी टूटी हुई है। तो ये जब आई थी ना, जब ये ऐसी थी हमने ना, ये थोड़ी सी ना सेकंड हैंड ली थी, तो ये सेकंड हैंड ली थी, एक अलमारी और ली थी, तो ये हमें बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ी थी। तो अब इसे ना हम निकाल देंगे। और ये देखिए इसमें ना यही परेशानी है, पता नहीं कितनी बार खुली है कितनी बार बंद हुई है, और बेकार ही ली हमने। इससे अच्छा तो हम कोई और सी ले लेते, जितने पैसे खर्च हो गए ना इतने में तो नई आ जाती ना, तो वो बेहतर था। चलो कोई बात नहीं, अब तो क्या कर सकते हैं। तो ये रही अलमारी के जो फट्टे थे ना, तो मेरे हस्बैंड बाहर निकाल निकाल के रख रहे थे, और हम दोनों ने मिल के खोली थी, और कुछ पेज मेरे हस्बैंड ने खोले कुछ मैंने खोले, तो हम दोनों ने मिल के खोली थी। और ये फिर उसके बाद मैं बना के लेकर आ गई थी चाय, तो चाय के साथ हमने खाए थे ये बंद। तो बंद थे ये वाले टूटी फ्रूटी वाले, और वैसे मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे होंगे, पर टेस्टी थे। और इसके अलावा ना एक बार मेरे हस्बैंड वो भी लेकर आए थे जैम वाले, तो बीच में ना उसके जैम भरा हुआ था, वो भी टेस्टी थे। तो ब्रिटानिया के भी बहुत अच्छे अच्छे बंद आने लगे। और ये देखिए इन्हें ना बड़ी वाली जंबो वाली पन्नी थी ये, वो मिल गई है, तो उसके अंदर घुसे हुए थे। ये देखिए बक्सा जो मेरी सास का है, इसमें ना सामान रखा हुआ है मेरे हस्बैंड का, यानी कि कोट वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखिए मैंने ना जल्दीबाजी में गई और फटाफट से, मैक्सिमम सिर्फ 15 मिनट लगे, और मैं ये वाली चने दाल के पुलाव बना के लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। किसी दिन इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, वैसे तो सबको आता ही है, लेकिन मैं अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ। और फिर हमने इसे अचार और चटनी से खाया। तो सब सामान निकालते निकालते ना मुझे ना एक है ना ऐसा सूट सा मिल गया था जो मैं ये जेंगो के लिए लेकर आई थी, तो मैंने चलो देखती हूँ इसे पहना के कि कैसा लगता है। और ये बहुत प्यारा लग रहा था, और क्या ही बताऊँ बहुत ही अच्छा लगा था, पर ये ना इससे चला नहीं जा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको उतार दिया था। और देखिए जो भी हम पेट पालते हैं कुछ भी करते हैं, तो उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार से लाड से, आप किसी को भी पालो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हो, उनके बाल काटो, उनको नहलाओ धुलाओ, उनकी पोटी वगैरह सब साफ़ करो, सब कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैटर है कि भैया कि हम उनसे प्यार करते हैं और ये अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं, पर लोग बात कुछ भी कहें हम तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए अब रात हो गई, हम सो जाते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो आज जो है ना बर्थडे था मेरी, यानी कि हस्बैंड के बड़े वाले भाई के बच्चे का, तो उनके लड़के का जो है जन्मदिन था, तो मैं वहाँ गई थी, उसका नाम है अमान, तो अमान का बर्थडे था, तो वहाँ पे मुझे, तो बहुत दिनों बाद मैं ना बर्थडे में गई थी। तो मैंने लास्ट टाइम कब गई थी मुझे याद नहीं है। और ये देखिए बनाई थी भाभी ने बिरयानी, यानी कि उनकी बड़ी बहन ने बनाई थी बिरयानी, और भाभी ने बनाया था कोरमा। तो भाभी कहने लगी पहले खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद केक कटिंग करेंगे। तो ये रहा अमान का बर्थडे केक। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, केक आ जाता है तो बच्चे थोड़े से एक्साइटेड भी हो जाते हैं ना कि भैया कि
काटेंगे और उनके साथ बहुत सारे यानी कि मेहमान भी आए हुए थे, भाभी के घर से लोग आए हुए थे और उनकी मम्मी आई हुई थी, बहन आई हुई थी। तो सब ने बहुत ज़्यादा बच्चों को गिफ्ट दिया और प्यार करा और उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी दी। और मैं भी वहीं पर खड़ी हुई थी, मुझे थोड़ी सी है ना अभी शर्म आती है जैसे कि ऐसे वीडियो बनाने में गई, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी शर्म उतार के रखनी पड़ेगी। पर अल्लाह पाक ज़्यादा बेहया ना करे, बस नॉर्मली हम रहें, इतना बदतमीज़ भी ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें सब चीज़ों से बचा के रखता है। और ये देखिए ये बच्चे हैं, तो ये बीच वाला जो है ये अमान है, इसका ही बर्थडे था। तो जब छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना घर में, तो एक बच्चा नहीं कट कर सकता क्योंकि बाकी के बच्चे रोने लग जाते हैं कि मेरा बर्थडे क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए केक क्यों नहीं लेकर आया। तो इस वजह से सब बच्चों ने एक साथ काटा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अमान, बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैंने भी इसको वन की बहुत सारी विशेस दी। और पहली यानी कि बहुत ही दिनों बाद मैं ऐसे जन्मदिन में गई थी ना, और वैसे मुझे जन्मदिनों में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू कहना होता है ना, तो मुझे उसमें बहुत शर्म आती है, जैसे मैं ऐसे कह नहीं सकती। कि बच्चों ने यहाँ पे अपने गिफ्ट भी अनबॉक्स कर लिए थे और उनके साथ खेलने लगे थे। और ये केक वाला इमोजी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा, मेरे मन में भी ऐसे ही ढोल बताशे बज रहे थे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।